कोरोना की पांचवी लहर मजीद 19 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 7,978 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 12.46% रिकॉर्ड। दहशत गर्दों को कटहरे में लाएंगे, शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, सूबे की सलामती इस्तेहकाम और खुशहाली को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। दुश्मन कुवतों की तरफ से तरक्की में खलल डालने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का आजम, सिपासालार का केच का दौरा, पूरा दिन जवानों के साथ गुजारा। दुश्मन की बलोचिस्तान का अमन गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों का मुकाबला जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। तरक्कियाती मंसूबों में सूबाई हुकूमत को भरपूर तआवुन भी फराहम किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एफसी हेडक्वार्टर्स जनूबी में सिक्योरिटी की सूरत हाल और पाक ईरान सरहद पर बाढ़ की तनकीब से मुतालिक ब्रीफिंग। अहलिया और बच्चों के मामूलात का जज जिम्मेदार नहीं, हर शख्स को अपने ईमान का हिसाब देना होता है। सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी सिर्फ जज की अहलिया होने पर आईनी हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजेस तक महदूद। अदालत उज़्मा की जानिब से हुक्म आर्टिकल 211 के खिलाफ वर्जी। FBR को तहकीकात के अहकाम भी गलत थे। टैक्सेस रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया, मौकिफ भी मुकम्मल नहीं सुना गया। जस्टिस काजी फैज ईसा केस का तहरीरी फैसला जारी। सरीना ईसा के टैक्सेस के मामले पर शहजाद अकबर और फरोग नसीम ने गैर कानूनी हिदायत दी। वजीर आजम ने इनकी तौसीक की। एकदम से गुड गवर्नर्स और प्राइम मिनिस्टर की मिली भगत खुलकर सामने आती है। नतायज संगीन हो सकते हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा केस में जस्टिस याहिया अफीदी का इजाफी नोट, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन का फैसले से इख्तलाफ। अपोजिशन सियासी बोनों का टोला, ये हमेशा एक दूसरे की ताड़ में रहते हैं। इन्हें खौफ है कि कहीं आग झपकने पर दूसरा फायदा ही ना ले जाए। डर है एक दूसरे के कपड़े ही ना फाड़ दें। नून लीग में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की लड़ाई जारी। पीपल्स पार्टी में भी पता नहीं कौन फैसले कर रहा था। फवाद चौधरी की जहलों में गुफ्तगु, बिलावल को कराची और मेयर मरियम नवाज को लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़ने का मशवरा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी, हुक्मरानों की तमाम चालें धरी रह जाएंगी। औचे हथकंडों के बावजूद लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। बिलावल भुट्टो की ललकार, फरवरी में इस्लामाबाद का सियासी मतला अबर आलूद होने की पेशगोई। पीपी चेयरमैन का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, नून लीगी सदर की खैरियत दरियाफ्त की। खान साहब, हमें आपसे कोई खतरा नहीं, आपको पहले कुछ समझा ना ही अब समझते हैं। तब्दीली सरकार, बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा, मुल्की मौशत तबाह, खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। हुक्मरान आइन के साथ मुसलसल मजाक कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की लसपेला में गरज बरस। लोकल गवर्नमेंट बिल जल्द पंजाब असेंबली पर से पास करा लेंगे। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात 15 मई को होंगे। वजीर आजम को तैयारियों से आगाह कर दिया। वजीर कानून पंजाब राजा विशारत का ट्वीट। सिंध के तर्मीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज, कराची में MQM की खवातीन सड़कों पर आ गईं। 3 तलवार पर मुजाहरा, वजीर आला हाउस के बाहर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ नारेबाजी। शुमाली कोरिया का एक मिसाइल तजुर्बा, प्रोजेक्टाइल समंदर की जानिब दागा गया। रवा माह शुमाली कोरिया की जानिब से 7वां मिसाइल तजुर्बा किया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग 7 के सुपर मुकाबले जारी। कराची किंग्स की मुसलसल दूसरी शिकस्त, कोयटा ने 8 विकेट से हराकर इवेंट की पहली फतह समेट ली। 114 रन का हदफ 16वें ओवर में ही पूरा।
20 रन देकर 5 विकेटें लेने वाले नसीम शाह मैन ऑफ द मैच करार। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया।